व्हाट्सअप गाइस, दोस्तों आज मैं आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिनका आप केवल 6 महीने के अंदर आप अगर कोर्स कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों ये कोर्सेज बाहर आपको 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए में आपको मिलेंगे, पर अगर आप इसे गवर्नमेंट सेक्टर से करते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो फीस बहुत ही कम में मिल जाएगी आपको, 2,000, 2,500, 5,000 तक इनके आपके कोर्स हो जाएंगे। तो आज मैं आपको टॉप 10 कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि 12th करने के बाद बच्चों को लगा रहता है कि यार किस किस फील्ड में जाए, क्योंकि इतनी सारी फील्ड है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कहां पर जाएं कहां पर नहीं जाएं, अगर सही गाइडेंस नहीं मिलेंगे तो आप भटक जाएंगे। इसलिए मेरा फ़र्ज है कि मैं आपको सही रास्ता बताऊँ। बस आपको इसके बदले मेरे को केवल लाइक बटन को क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लाइक से मेरे को पावर मिलती है, आपका लाइक ग्लूकोज का काम करता है मेरे लिए और मैं मोटिवेट होता हूँ आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। तो दोस्तों आज का पहला कोर्सेज रहेगा, वो रहेगा सर्टिफिकेट इन फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि विदेशी भाषा में आपको सर्टिफिकेट किस तरह आप प्राप्त करें। जो दोस्तों ये इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, जितनी बड़ी बड़ी MNC कंपनी हो गई सब हायर करती हैं उन बच्चों को जो अरेबिक कोर्स, फ्रेंच, रशियन, जैपनीज कोर्स सीखते हैं, मतलब जिस कंट्री की वो कंपनी है, अगर उसी कंपनी उसी कंट्री का अगर लैंग्वेज उनको मिल जाए, एम्प्लॉई उस टाइप के मिल जाए कि उनको लैंग्वेज आती है, तो ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसकी फ़ीस जो दोस्तों है वो है अरेबिक की 1,800 रुपये है, फ्रेंच की है 6,600 और रशियन की है 2,500। जो उसकी ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स की है और एलिजिबिलिटी है जो आपको कंपलसरी है वो है आप 12th पास आपको होना चाहिए और 18 साल से बड़े होने चाहिए। बात करते हैं इसके स्कोप के बारे में, जो फॉरेन लैंग्वेज में स्कोप है, तो दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। जो बच्चे अपना चाहते हैं करियर बहुत अच्छा बनाना तो वो फॉरेन लैंग्वेज की तरफ ज़रूर जाए, मैं रिकमेंड करूँगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपको स्कोप ये है कि आप एज अ टूर गाइड भी इसमें काम कर सकते हैं। जैसे फॉरेन कंट्री के जो लोग आते हैं उनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, तो गाइड जो होते हैं उनको अगर उनकी लैंग्वेज आती है तो बहुत ईजिली हो जाता है और अच्छी आपको पे भी मिलेगी। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आपको जिस लैंग्वेज की आती है, आप जो लैंग्वेज का कोर्स करा है उस कंट्री में जाके आप जॉब भी कर सकते हैं। जो फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं उनकी सैलरी जो होती है मिनिमम वो 1.5 से 2 लाख रुपए होती है। तीसरा जो चीज़ है, MNC कंपनी हायर करती है ट्रांसलेटरों को और उसमें भी अच्छी अच्छी सैलरी मिलती है, उसमें 60-70 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिल जाएगी। जो चौथा ये है, एज अ ट्यूटर आप वर्क कर सकते हैं, आप अपना ही एक सेंटर खोल सकते हैं, उसमें बच्चों को अपनी भाषा सिखा सकते हैं जो आपने सीखी है, तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। जो दूसरा कोर्स है वो है सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों इंडिया जो है IT हब है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारा देश बहुत आगे है और आप इसका सर्टिफिकेट पा सकते हैं मात्र 1,800 रुपये में। ये जितने भी कोर्सेज हैं दोस्तों ये इग्नू से करे हुए हैं, आप इग्नू से कर सकते हैं इन कोर्सेज को। और जिन बच्चों को दिक्कत आ रहा है फॉर्म भरने में, तो नंबर मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और ये आपको नंबर मिल जाएगा, आप उसके बाद आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगा। दोस्तों इसमें जो फीस है वो 1,800 रुपये है, जिसकी ड्यूरेशन केवल 6 महीने की है और इसमें 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और इंग्लिश है एक मेन सब्जेक्ट जो होना चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं था 12th में तो आपका ये आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका स्कोप देखते हैं क्या है। दोस्तों इसमें आप जॉब कर सकते हैं वेब डिज़ाइनिंग में, जो वेब बनाने का काम होता है इसमें आप काम कर सकते हैं, ऐप डिज़ाइनिंग में आप काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप काम कर सकते हैं, आर्टिशन टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। जो इसकी मिनिमम सैलरी होती है वो 20,000 रुपये होती है और जो धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़ती रहती है, प्रमोशन इसमें जल्दी होते रहते हैं, आप इसे स्विच भी कर सकते हैं, अलग अलग कंपनी में जाके आप प्रमोट भी हो सकते हैं। तो अगली कोर्स है सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन। जो दोस्तों सर्टिफिकेट कम्युनिकेशन स्किल में जो सर्टिफिकेट होता है, इसकी जो फीस है ये 5,400 रुपये है और जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स का है और एलिजिबिलिटी है वो 12वीं पास है होना चाहिए और इंग्लिश होनी चाहिए कंपलसरी। तो इसका आपका स्कोप क्या है, स्कोप ये है आप कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं और HR बन सकते हैं, मार्केटिंग कंपनी में आप काम कर सकते हैं और आप YouTube पे मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो आपका बहुत अच्छा स्कोप रहता है और अच्छी अच्छी कंपनी आपको हायर करती है। तो इसकी जो सैलरी होती है वो मिनिमम होती है 25,000 रुपये। बात करते हैं हम अगले कोर्सेज की तरफ, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसकी जो फीस है वो 2,000 रुपये है, जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है, एलिजिबिलिटी इसमें भी 12वीं पास है और जो स्कोप है इसका
वो है गवर्नमेंट लाइब्रेरियन वैकेंसी जो निकलती है और प्राइवेट लाइब्रेरियन होती है उसमें वैकेंसी निकलती है। आप इसमें सेल्फ लाइब्रेरी भी खोल सकते हैं और गवर्नमेंट इसके लिए लोन भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट होंगे तो गवर्नमेंट आपको लोन भी प्रोवाइड करेगी, पूरी तरह से हेल्प होगी अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि ये कम टाइम में हो जाते हैं और इनमें अच्छा स्कोप भी रहता है। आप साथ साथ आप डिग्री भी कर सकते हैं, अगर आपको चाहते हैं आप बीए करना चाहते हैं आप बीए भी कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप सर्टिफिकेट लेंगे तो डिग्री नहीं करेंगे, आप दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगले कोर्स की तरफ, सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज़, जो इसकी फ़ीस है वो 1800 रुपये। दोस्तों जो बच्चों का इंटरेस्ट रहता है टूरिज़्म में, घूमने फिरने में जिनका इंटरेस्ट रहता है, नई नई जगह घूमने में, नई नई कंट्री जाने में, नए नए स्टेट जाने में, मतलब घूमने में उनका पूरा वो रहता है, वो बच्चे इन कोर्स की तरफ देख सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स है, एलिजिबिलिटी 12वीं पास होना चाहिए। स्कोप क्या है इसमें, आप गाइड बन सकते हैं, टूरिस्ट गाइड, और आप ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी के लिए आपको लोन भी मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, या आप इसमें सेल्फ बिजनेस भी अपना खोल सकते हैं। अब बात करते हैं छठा कोर्स है सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का दोस्तों हमारे देश में बहुत अच्छा वो चल रहा है, स्कोप चल रहा है। चाइना में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई है और काफ़ी मतलब वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है, क्योंकि केमिकल फार्मिंग से सोइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे ख़राब होती चली जाती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ट रहती है। तो इसलिए इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। इसकी जो फीस है वो 4800 रुपये है, ड्यूरेशन 6 मंथ है, एलिजिबिलिटी है जो इसकी वो भी 12वीं पास है। जो इसका स्कोप है, स्कोप ये है वर्किंग फर्टिलाइज़र कंपनी में आप काम कर सकते हैं, यानी फर्टिलाइज़र कंपनी में आप काम कर सकते हैं और अपने जो सेल्फ एग्रीकल्चर में भी काम कर सकते हैं। जिन बच्चों का खेती का काम है वो अपने काम में भी इसको यूज़ करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्ती होती है और केमिकल फार्मिंग से। इसलिए अगर जो बच्चा जिनके पास खेत है खलिहान है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के बाद अपने सेल्फ एग्रीकल्चर को बढ़ा सकता है। और दूसरी चीज़ है ग्रीन हाउस खोल सकता है, ग्रीन हाउस भी आप खोल सकते हैं और एज अ गाइडेंस का भी काम कर सकते हैं, गांव में गाइडेंस का काम कर सकते हैं, लोगों को राय दे सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, उनको प्रोडक्ट बेच सकते हैं किसी कंपनी का और इससे आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। बात करते हैं हम अगले कोर्स की तरफ, वो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन एनजीओ मैनेजमेंट। दोस्तों ये मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि एनजीओ मेरा खुद का सोचना है कि मैं खुद से एनजीओ में सर्टिफिकेट लूँ, तो इसलिए मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि इसमें आप सोशल वर्क भी कर पाते हैं और अच्छा लगता है इससे। इसकी फ़ीस है 1800 रुपये, जो ड्यूरेशन है इसकी 6 मंथ्स है और एलिजिबिलिटी है 12वीं पास। इसका स्कोप क्या है, वर्क इन एनजीओ, आप किसी भी एनजीओ में काम कर सकते हैं और आप अपना खुद का एनजीओ भी खोल सकते हैं जिसमें लोन भी मिल जाता है आपको और लोगों द्वारा भी आपको पैसे मिलते हैं। आप लोगों का सोशल वर्क भी करते हैं और आपको पैसे भी अर्निंग होती है, इसमें सैलरी भी मिलती है जो अगर लगते हैं अगर किसी एनजीओ में तो सैलरी भी इसमें 15-20 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग में लग जाती है। तो बात करते हैं अगले कोर्स की तरफ, यह है सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, इसे CFN कहते हैं। इसकी जो फीस है वो 1400 रुपये है, ड्यूरेशन 6 मंथ्स है, एलिजिबिलिटी है इसमें नो फॉर्मल एजुकेशन, एज है मोर देन 18 ईयर। दोस्तों फूड एंड न्यूट्रिशन में कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 5वीं पास भी है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसकी जो फीस है मात्र 1400 रुपये है। ये कोर्स उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है जिनकी 10वीं भी नहीं हुई है और चाहते हैं कि भाई सर्टिफिकेट लेके और नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। इसका स्कोप देखते हैं, वर्क इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कैंटीन, आप जो गवर्नमेंट कैंटीन होती है और प्राइवेट कैंटीन होती है इसमें काम करने को मिल जाएगा आपको। वर्क इन प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें आपको काम करने को मिल जाएगा। तीसरा है वर्क इन MNC फूड कंपनी, मतलब इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है आपको। इसमें जो मिनिमम सैलरी है वो 20,000 रुपये है, जो बच्चे पढ़े लिखे कम हैं उनके लिए सबसे बेस्ट कोर्स रहेगा फूड एंड न्यूट्रिशन। और जिन बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कत है, मैं नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर लेना, आपकी सारी दिक्कतें दूर कर दी जाएगी। बात करते हैं अगले कोर्स की तरफ, यह है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन। दोस्तों इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें, क्योंकि उन बच्चों को शेयर कर दें जो कम पढ़े, मतलब जिन आपकी नज़र में कम पढ़े हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है कि अब क्या करें भाई, हम 5वीं 6वीं पास हैं, हम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। तो ये जो मैंने पिछला कोर्स बताया CFN का, तो ये उनके लिए बेस्ट रहेगा। तो बात करते हैं अगला, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसकी जो फीस है वो 4200 रुपये है, ड्यूरेशन है 6 मंथ्स, एलिजिबिलिटी है 12वीं पास विद साइंस सब्जेक्ट। इसमें साइंस सब्जेक्ट से आपको 12वीं पास होनी चाहिए और इसकी जो फीस है वो 4200 रुपये।
दोस्तों अगर इस कोर्स को आप बाहर से करेंगे तो आपके 70-80 हज़ार रुपये लग जाएंगे, पर इग्नू से करने से आपको केवल 42 रुपये में आपका काम हो जाएगा। और बात रही इसके स्कोप की, तो स्कोप इसमें इतना है कि आप नौकरी की आपको इसमें दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर लेबोरेटरी लैब में और टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती रहती है, हॉस्पिटलों में टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। बात करते हैं हम 10वें कोर्स की तरफ, जो लास्ट कोर्स है सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर। दोस्तों जो बच्चे जिनका इंटरेस्ट होता है चाइल्ड केयर करने में, तो उनके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है ये। इसकी जो फीस है वो मात्र 1800 रुपये है और एलिजिबिलिटी है वो 12वीं पास है और ड्यूरेशन है 6 महीने का, आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो इसका स्कोप है दोस्तों, इसका स्कोप जॉब से ज़्यादा इसका बिजनेस में है। जॉब में आपको प्री प्राइमरी प्ले स्कूल में आप जॉब कर सकते हैं, उसमें सैलरी 10,000 रुपये मिलती है, पर इसमें आप अगर बिजनेस करते हैं तो आप इसमें एनजीओ खोल सकते हैं, अपना प्ले स्कूल खोल सकते हैं, करंच स्कूल खोल सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको केवल बैंक में जाना है, अपना प्रोजेक्ट तैयार करवाना है, आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, आप अपना स्कूल खोलिए, अपना बिजनेस चलाइए, अपना धंधा चलाइए, क्योंकि सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा रोल होता है लोन वगैरह मिलने में, तो इसलिए सर्टिफिकेट का यूज़ है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप करंच स्कूल खोल सकते हैं। करंच स्कूल दोस्तों क्या होता है, जो बहुत सी फैमिली होती है जिसमें फादर और मदर दोनों ही जॉब करते हैं, तो उसमें अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक स्कूल में छोड़ दिया जाता है, उसको करंच स्कूल बोलते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कमाई होती है, एक एक बच्चे से 8-8-10 हज़ार रुपये चार्ज होता है, और इसमें आप 2-3 टीचर रख के 30,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में, और आप इसमें 1.5-2 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं बड़ी आराम से, और आप इसमें प्ले स्कूल भी खोल सकते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है चाइल्ड केयर में। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता हूँ।